सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमको लॉक लगाने के लिए ये जो हमारे लॉक के अंदर पत्ती कसी हुई आती है इसको खोल लेना है। अगर कुछ लाख में नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमको लॉक का मेजरमेंट ले लेना है। वैसे तो हमारा जो भी लॉक होता है डोमाल में फिटिंग होने वाला, उसका नॉर्मल मेजरमेंट जो है स्टैंडर्ड साइज का वही रहता है, लेकिन फिर भी आप एक बार चेक कर सकते हैं कि अगर किसी लॉक में कुछ फ़र्क आता है तो। सबसे पहले हमको जो करना है काम, हमारे डंडे का सेंटर निकाल लेना, हमको जो भी हमारे पाइप का सेंटर आएगा, उसके बाद इस प्रकार से आपको लॉक रख लेना है और यहाँ पर इसका ऊपर से निशान ले लेना है। एक कोई भी आप एक सेंटर पॉइंट के अलावा एक ऊपर का निशान आधे लॉक का ले सकते हैं। उसके बाद से हमको नापना है 7 इंच 3 सूत। आप देख सकते हैं किस प्रकार से दोनों डंडों पर निशान लगाए जा रहे हैं। अब इसके बाद हमको टेप से नापना है 7 इंच 3 सूत। ये हमारी हो गई पूरा हाइट का मेजरमेंट। दोनों डंडों में हम निशान लगा लेंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको बताने के लिए निशान लगा मार्किंग करके और लॉक गला रहा हूँ, वरना हम डायरेक्ट डिग्री से भी गला सकते हैं। एक फरमा बना के रख सकते हैं जिससे सिर्फ रख कर लॉक गलाया जा सके। अब दोस्तों, जिस साइड हमारी पीवीसी डलेगी, जो बाहर की साइड हमारी होती है, उसके बाहर से ही हमको निशान जो लगेगा वो आधा इंच की जगह छोड़ करके हमको निशान लगाना है। जिस प्रकार आप अभी स्क्रीन में देख सक रहे हैं, ये निशान आधा इंची छोड़ करके लगाया गया है 4 सूत, और उसके बाद वाला जो निशान है वो 6 सूत का लगेगा। इसी प्रकार से आपको दोनों साइड निशान लगा लेने हैं और मार्किंग कर लेनी है, और इसके बाद जो हम ग्लैंडर से खांचा लगाएंगे वो इस निशान के अंदर की साइड चलाएंगे। इस निशान को हम जिंदा रखेंगे। इस निशान के अगर बार बार आप चलाते हैं तो आपका लॉक फ्री हो जाएगा, इसलिए हमको अंदर की तरफ चलाना है ताकि लॉक बिल्कुल टाइट बैठ सके। और अगर ज़्यादा टाइट आ रहा है, लॉक मूवमेंट नहीं करता है, तो हम उसको वापस से निकाल करके थोड़ा सा फ्री कर सकते हैं, लेकिन हम पहले से ज़्यादा फ्री कर देंगे तो वो अच्छा नहीं दिखेगा, ढीला हो जाएगा। अब तो इस प्रकार से लोहे काटने वाला जो हमारा पत्ता आता है जिससे एल्यूमिनियम भी हम काट सकते हैं, उससे खांचे लगा लेने हैं ग्राइंडर से। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, कई सारे लोग हमारी वीडियो देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। दोस्तों, इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो आपको समय से मिलती रहे और हमारा भी मोटिवेशन बना रहे इसी अब तक वीडियो लाने का। दोस्तों, यदि आप डोमाल मेकिंग की फुल वीडियो देखना चाहते हैं कि डोमाल किस प्रकार से बनाई जाती है A to Z, तो वो भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। पहले से भी हमारे चैनल पर कई 2 से 3 वीडियो अपलोड है, तो चैनल में आप जा सकते हैं, चैनल विजिट करके और आप देख सकते हैं वो वीडियो भी। दोस्तों, अगर आपके दिमाग में एल्यूमिनियम काम से लेकर के रिगार्डिंग कोई भी सवाल आते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। अब दोस्तों, इस प्रकार से लॉक गलाने के बाद हमको पेचकस की मदद से जो हमारी पत्ती है वो तोड़ लेनी है, बाहर निकाल लेनी है, और उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा हमारा जो बुरादा लगा रहता है इसको साफ कर लेना है। अब दोस्तों, इस प्रकार से हमको लॉक इसमें बैठा लेना है। देख सकते हैं दोस्तों, ये लॉक हमारा काफ़ी फिटिंग आ चुका है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।